नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल tutorial.com पर स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ फोर्स। सो अब तक हम पढ़ चुके हैं फोर्स और नेट फोर्स, अब हम पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, मतलब कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। अब बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन विच यू हैव बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, कि आप जैसे कि इस वॉल को अभी मैं टच कर रही हूँ तो इस पे जो जो फोर्स लग रहा है वो हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। पर अगर इसको मैं टच नहीं कर रही होती और इस पे कोई फोर्स लग रहा होता उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखते हैं कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो जैसे कि मस्कुलर फोर्स, मैं इस बॉल के साथ ऐसे करूँ तो यहाँ मैं अपनी मसल्स को यूज़ कर रही हूँ, तो सिंस मैं अपनी मसल्स को यूज़ कर रही हूँ तो इस पे जो फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट की वजह से वो है मस्कुलर फोर्स। अगला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बार नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और देख लेते हैं। तो ये बॉल को मैंने ऊपर से छोड़ा, ये नीचे क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई? तो जो फोर्स इसको धरती की तरफ खींच रहा है उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार सबके बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं। तो पहला है मस्कुलर फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया मैं इस बॉल के साथ ऐसे ऐसे खेल रही हूँ, तो ये जो बॉल है जिसमें मैं अपनी मसल्स को यूज़ कर रही हूँ इसके साथ कुछ भी करने के लिए, वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि मैं इसे पकड़े हुए हूँ। यहाँ मेरा इंट्रैक्शन बिटवीन द मसल्स एंड द ऑब्जेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये इंट्रैक्शन हो रहा है और ये मसल से है तो ये फोर्स हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और इस फोर्स का नाम है मस्कुलर फोर्स। अगला है, ये बॉल हमारी चल रही थी और ये रुक गई, चल रही थी रुक गई, तो ये फोर्स जो भी किसी ऑब्जेक्ट को रोकता है उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत सारी जगह यूज़ भी होता है, जैसे चलने में, रुकने में, व्हीकल्स में, बहुत सारी जगह। ऐसे मत सोचना कि क्योंकि ये फोर्स चलती हुई बॉल को रोक रहा है तो ये गंदा फोर्स है। गंदा फोर्स नहीं है, अच्छा फोर्स है, बहुत काम भी आता है और बहुत नुकसान भी करता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो फोर्स है ये बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट इस बॉल और इस हाथ के है, मेरा हाथ उतना रफ है नहीं, पर हर सरफेस यूजुअली बहुत आइडियल केस में स्मूथ होता है, वरना उस पर कुछ ना कुछ रफनेस ज़रूर होती है। तो ये जो रफनेस की वजह से, इरेगुलरिटीज़ की वजह से बॉल रुकी है, जो इन दोनों के सरफेस के बीच में इंट्रैक्शन है वो बोलते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला आया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है, मेरी एक मैग्नेट है और मेरे पास मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। अब मैंने इस मैग्नेट से इसको अट्रैक्ट किया तो ये इस तरफ जाएगा। क्या आप इसको यहाँ पे लाते हो? क्या आप इसको टच करते हो? आपको वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल ये दूर से काम करता है, इसमें दोनों के कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो जो भी फोर्स एक मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लगता है, दूरी से लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो एक मैग्नेटिक फोर्स, अ मैग्नेट कैन एग्जर्ट अ फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट पर बिना कॉन्टैक्ट में आए एक फोर्स लगा सकता है और ये जो फोर्स एक मैग्नेट लगाएगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अगला होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या करिए, सेशन के बाद पेपर लेना, टुकड़े करना, सरफेस पे रखना, स्केल लेना, स्केल से ऐसे ऐसे रब करना। जब आप ऐसे रब करोगे उसके बाद स्केल को उन पेपर के ऊपर लाना और देखना क्या होता है, अट्रैक्ट होगा, पेपर बिट्स ऊपर उठेंगे। आपको ये स्केल को चिपकाने की ज़रूरत नहीं है या फिर पेपर को ऊपर लाने की कोई चीटिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद होगा, बहुत ही बढ़िया है। अपने आप भाई बहनों को दिखाओ, अमेज करो। सो दिस फोर्स दैट इज़ बिटवीन वन अनचार्ज एंड वन चार्ज पार्टिकल, या फिर हो सकता है जैसे आपको स्क्रीन पे बलून दिख रहे हैं ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच हो सकता है। तो जो भी फोर्स, चाहे वो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, जब हमारे दो लाइक चार्जेस होते हैं ना, जैसे लाइक पोल्स होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे अनचार्ज और चार्ज या फिर दो चार्ज बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं होता है इसीलिए ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला मेरे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बॉल थी, नीचे आई, एप्पल था, न्यूटन के सर पे गिरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारी जो सन है उसके आसपास हमारे अर्थ घूमती है, हमारे अर्थ के आसपास मून घूमता है। क्यों ये सब होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो भी फोर्स, जो भी चीज़ें, जो भी फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें जरूरी अर्थ और जब सन चिपके होंगे वो तभी घूमेगा, नहीं, दूर से होता है, दूर से होता है सारा काम। तो
ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जब दो ऑब्जेक्ट्स एक डिस्टेंस पे रखे हों और तब जो फोर्स बनता है इनके बीच में वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स अगर चार्ज होते तो ये फोर्स बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको ये सारे फोर्सेस समझ आ गए होंगे। एक क्विज कर लेते हैं जल्दी से टू चेक कि आपको कितना समझ आया। तो पहला है हु एम आई। हु एम आई होता है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होता है मैं कौन। सिंपल। सो पहले वो बोल रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब तक हमने तीन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनादर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। चार्जेस के केस में मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्योंकि चार्ज यहाँ आ गया है तो जो यहाँ पे फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब देखिए राइटिंग पे मत जाना क्योंकि अभी राइटिंग ऐसी आएगी। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो दो टच में हो, एंड द फोर्स विच इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। अब मैं इतनी उम्मीद करती हूँ अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं तो फोर्स कौन सा हुआ, मस्कुलर। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट, टच में नहीं है, फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट। आप मुझे मालूम है इतने समझदार हैं कि अगर मैग्नेट है लिखा हुआ है तो क्या हुआ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वो टच में नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब टच में है, फोर्स विच एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन मतलब मोशन यहाँ है तो वो यहाँ काम करेगा। किसी भी चीज़ चलती चीज़ को कोई ऑपोजिट फोर्स ही रोक सकता है। इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पे बात हो रही है जिस फोर्स के बारे में वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आप उसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। लेट्स क्विकली समराइज अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। सो टाइप ऑफ फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मस्कुलर फोर्स बिकॉज ऑफ द मसल्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जैसे आप ऐसे करिए हीट प्रोड्यूस हुई, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगला है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज एक अनचार्ज, एक चार्ज एक अनचार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे पक्का जाइए, और आप यहाँ पर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।